पहले आप कब्ज की मेडिसिन खा रहे थे, वो ठीक नहीं हुई और यूट्रस पर भार पड़ना शुरू हो गया, फिर आपने उसकी भी मेडिसिन शुरू कर दी, और तीसरा फिर आपके ये सही नहीं हुआ, तीसरा ये सही नहीं हुआ और ब्रेस्ट में दर्द शुरू होनी शुरू हो गई, कि ब्रेस्ट मतलब समझ ये आपकी छाती में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो, ठीक है, तो इसकी भी फिर मेडिसिन खानी शुरू कर दी। हाँ जी पापा जी, दवाई तो मैं रोज ही लियानी, माण ही नहीं आता, दिनों दिन लाद वे। चौथा फिर आपके ये ठीक नहीं हुई और चौथा फिर सिर में दर्द शुरू हो गई। हाँ जी, बीपी भी वधन डे पिया ही नाल ये ते। हाँ? बीपी वधन डे पिया ही। और अपने चार डॉक्टर बदल दिए। क्या बदल दिए? चार डॉक्टर बदल दिए, कोई आराम नहीं मिला। पंचदान छोड़ इसके सिर को, छोड़ इसकी ब्रेस्ट को, छट गंदी आत्मा निकल इसी समय, जो खुदा के घर में। हालेलुया, इस बहन का नाम निंदर है और जी अमृतसर माला गांव के रहने वाले हैं, और इस बहन की गवाही जे जे बतारी के 6 महीने हो गए थे, इनको कब्ज की प्रॉब्लम थी जिसके कारण जे बहुत परेशान रहते थे, जे बतारी के इसके लिए लगातार जे कब्ज की मेडिसिन ले रहे थे फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जे बतारी के कब्ज के बाद जे बतारी के इनके पेट में दर्द शुरू हो गई, क्योंकि कब्ज के कारण इनके दर्द इतनी ज्यादा रहती थी पेट में बहुत ही ज्यादा, जो बता रही कि फिर जो डॉक्टर के पास गए मेडिसिन ली उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जो बता रही उसके बाद इनको इनके जूट्रस पर इनके बच्चेदाने पर इनको बार पड़ता था, और उसके कारण भी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते थे, और जो बता रही कि उसकी भी जो मेडिसिन ले रहे थे पर फर्क नहीं पड़ा था, और जो बता रही कि उसके बाद इनके ब्रेस्ट के नीचे इनके ब्रेस्ट में भी दर्द होना शुरू हो गया, और जो बता रही कि प्रॉब्लम कम नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, और जिसके कारण इन्होंने जो बता रहे कि 3 डॉक्टर बदल ले और फिर भी इन्हें कोई नहीं, नहीं सुनो ध्यान से सुनो, जो मेरे पास लिखा है पहले कब्ज शुरू हुई, कब्ज के बाद सेकेंड चीज इनकी यूट्रस के ऊपर भार पड़ना शुरू हो गया, थर्ड तीसरी इनके ब्रेस्ट में दर्द आ गई, मतलब पहले आप कब्ज की मेडिसिन खा रहे थे वो ठीक नहीं हुई और यूट्रस पर भार पड़ना शुरू हो गया, फिर आपने उसकी भी मेडिसिन शुरू कर दी, माइक रखो उनके पास, है ना, हाँ, और तीसरा फिर आपके ये सही नहीं हुआ, तीसरा ये सही नहीं हुआ और ब्रेस्ट में दर्द शुरू होनी शुरू हो गई, ब्रेस्ट मतलब समझ ये आपकी छाती में, हाँ जी, हाँ जी, तो, तो इसकी भी फिर मेडिसिन खानी शुरू कर दी। हाँ जी पापा जी, दवाई तो मैं रोज ही लियानी, माण ही नहीं आता, दिनों दिन लाद वे। चौथा फिर आपके ये ठीक नहीं हुई और चौथा फिर सिर में दर्द शुरू हो गई। हाँ जी, बीपी भी वधन डे पिया ही नाल ये ते। हाँ? बीपी वधन डे पिया ही। और अपने चार डॉक्टर बदल दिए। क्या बदल दिए? चार डॉक्टर बदल दिए, कोई आराम नहीं मिला। हाँ बताओ, आगे बताओ। नहीं, जब जे पहले 3 डॉक्टर से जे मेडिसिन खा रहे थे फर्क नहीं पड़ा, फिर उन्होंने चौथे डॉक्टर के पास गए तो उसने इनको बोला कि आप इतनी मेडिसिन खा रहे हो फिर आप टेस्ट करवाएं, क्योंकि जे लगातार ही इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, जब लास्ट फिर जे चौथे डॉक्टर के पास गए मेडिसिन उसने नहीं दी, जैसे उन्होंने बताया कि आप टेस्ट कराएं पर इन्होंने टेस्ट नहीं कराए, इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर जी जो मैंने पैसे टेस्टों पर खर्च करने वो मैं उससे ज़्यादा परमेश्वर जी मैं बीज में डालूंगी, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप ही मुझे अच्छा करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी हर एक बार ही प्रॉब्लम इनकी बढ़ रही थी, तो जिसके कारण जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा रही फ़र्क तो कोई पड़ नहीं रहा, पर जैसे फिर इन्होंने अपना मन बनाया और जब बता रहे कि जब इन्होंने 4 अगस्त की मीटिंग अटेंड की, और जब बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लेहन प्रार्थना हुई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। चल शैतान छोड़ इसके सिर को, तेरी हजूरी छोड़ इसकी ब्रेस्ट को, छट गंदी आत्मा निकल इसी समय, जो खुदा के घर में आने से जो रुकावट देता है, परमेश्वर की महिमा करने से जो रुकावट देता है, चल उखड़ तू पांव के नीचे, छट छट निकल इसी समय,
निकल इसकी सोच से दिमाग से छट 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 इन द नेम ऑफ जीसस हेल्प पूरी तरह से छुदा छोड़ से पूरी तरह से इसी क्षण चल अभी छोड़ छोड़ इसकी ब्रेस्ट को शिक्षण गलती आत्मा छोड़ इसके सिर को फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फ्री फ्री यस खुदा फ्री जाओ ये फ्री है चेक कर लो। और जिस दिन जब बता रहे कि 4 अगस्त की मीटिंग में जब जी आए थे उस दिन जब इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई तो इनको फीवर भी उसी दिन बहुत ज्यादा हो गया था और जब बता रहे कि इनसे चलना भी नहीं जा रहा था टांगों में इतनी ज्यादा दर्द थी। और जब बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई तो जब बता रहे उसी समय प्रभु के रू ने इनको छुआ और जब बिल्कुल फ्री हो गए जब बता रहे कि फिर इन्होंने भवन में सेवा भी की और जब बता रहे कि जब ये सेवा कर रहे थे बर्तन साफ कर रहे थे और जब बता रहे कि उसी समय शैतान इनके मन में ऐसे विचार डाल रहा था कि तुम जहां पर तो सही हो गई जैसे तुम घर जाओगी तो फिर से तेरा हालात बढ़ जाएगा। जब बता रहे कि उस समय जो इनके मन में ऐसे शैतान इनके मन में सोचों को लगा रहा था पर जैसे जैसे परमेश्वर के दास के साथ मिलकर गए पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके मन में ऐसे विचार आ रहे बस ये खुशी से इतना बता कर गए कि आज परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। और जब बता रहे जब जैसे जे घर पहुंचे तो फिर से सारा हालात इन पर आ गया बहुत ज्यादा जो तकलीफ में थे कब्ज की प्रॉब्लम पेट में दर्द और जो इनकी जोटस बच्चेदानी की प्रॉब्लम और इनके सिर में दर्द इनके ब्रेस्ट में दर्द थी और जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जब फिर इन्होंने एकदम से इनके मन में आए कि सच में जो शैतान ने मुझे चर्च में मेरे मन में ऐसी सोच को लगाया था कि घर जाते ही तेरे पर जो प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर से मुझे ऐसे हो गया। फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल किया और जैसे टीम को इन्होंने बताया तो टीम ने इनको उत्साहित किया कि जो प्रभु बोस की मीटिंग के बाद जो प्रेयर रखी है अब आपने इस प्रेयर मीटिंग में आना और परमेश्वर के दास के साथ आपने मीटिंग करनी है। और जैसे फिर इन्होंने बुधवार की मीटिंग के अटेंड किया और उस दिन इनको प्रेयर को भी इन्होंने अटेंड किया तो जैसे फिर इन्होंने खुदा के दास के साथ मीटिंग की तो परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया कि बाकी के जो दिन बचे आपने प्रेयर में आना है और परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अच्छा कर दिया जो आपके लिए प्रेयर हुई है आपने अपने मन में संदेह नहीं करना और धन्यवाद देना है परमेश्वर आपको बिल्कुल अच्छा कर चुके हैं। और जब बता रहे कि फिर इन्होंने 3 दिन मीटिंग को अटेंड किया प्रेयर मीटिंग को और जब बता रहे कि जितना भी जी हालात था 6 महीने से आज जब बता रहे कि पूरा 1 महीना हो गया है परमेश्वर ने अभी इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया है। ना तो जब बता रहे कि इनके ब्रेस्ट में दर्द रहती जो इनकी बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी बार पड़ता था उससे भी परमेश्वर ने पूरी तरह इनको फ्री कर दिया। इनके सिर में दर्द रहता था इनसे चला नहीं जाता था टांगों में दर्द रहती थी और जब बता रही जो सिर में दर्द रहती थी खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही थी मन नहीं करता था आज बता रही कि जो बिल्कुल पूरी तरह से टोटली जितनी भी नेगेटिविटी के कारण जो प्रॉब्लम आई थी परमेश्वर ने पूरी तरह इन्हें फ्री कर दिया है। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते कितने कितने कितनों को समझ आया। 4 अगस्त की मीटिंग में आई जब ले हैंड हुई तो उसी समय वो सारा दर्द चला गया हील हो गए सेवा कर रहे थे शैतान मन में क्या डाल रहा था जब घर जाओगे तो फिर हो जाएगा क्या जाएगा घर जाओगे तो फिर हो जाएगा और वैसे ही सब कुछ फिर वो चीजें सारी होगी। उसी तरह सिर में दर्द आ गई टांगों में दर्द आ गई उसी तरह यूट्रस में बच्चेदानी में फिर से भार पड़ना लगा हाँ फिर से सारी प्रॉब्लम उसी तरह से फिर वापस आ गई सारी की सारी ब्रेस्ट में दर्द आ गई फिर से बड़े परेशान हो गए। पर ये फिर से आए बुधवार को मीटिंग को अटेंड किया प्रार्थना की और बाकी दिन जब प्रेयर को अटेंड किया कर्म दिखाया विश्वास से क्या दिखाया अपना कर्म भी दिखाया ना परमेश्वर को और आज आपके सामने बोलो क्या है 4 डॉक्टर बदल दिए इन्होंने 4 डॉक्टर कोई आराम नहीं मिल रहा था कितना परेशान था तो थोड़ा बताऊं आप लोगों को। जैमसी जी पापा जी जैमसी जी मम्मा जी जैमसी क्रिस बहुत ज्यादा परेशान है मैं आके अगले जिस तरह मैंने होता ही तो कब्ज का भी तो मैं नहीं हाँ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ। ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੱਜ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਯੂਟਰਸ ਮੇ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਹਾਂ ਟਾਂਗੋ ਮੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਬਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਭ ਰੋਗੋ ਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀਲ ਕੀਆ। ਆਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਅਬ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੇ ਨਹੀਂ, ਯੂਟਰਸ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, ਕਰੀਨਾ ਯਹੋਵਾ ਅਲੋਕੇ ਕਮ ਕਰੀਨਾ।